This is the third and last lecture from Unit 2, Pharmaceutical Organic Chemistry, Part 2. And in this video, I am going to discuss about aromatic acids, acidity, effect of substituent on acidity, and important reactions of benzoic acid. Aromatic acids are compounds in which one or more carboxyl group are attached directly to the aromatic ring. जैसे आप यहाँ पे example में देख सकते हैं, ये benzoic acid है, which is the simplest aromatic acid. यहाँ पे एक benzene ring है, इससे attached है carboxyl group. तो इस तरह के जो compounds है, वे aromatic acids कहलाते हैं. अगर इसी benzoic acid से और दूसरे substituent आके जुड़ जाएं, hydrogen को replace करके, तो कुछ और एरोमेटिक एसिड्स बनते हैं. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड है, एंथ्रानिलिक एसिड है, थैलिक एसिड है. एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक एसिड्स के, जैसे ऑर्थोडोल्विक एसिड, मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड फिनाइल एसिटिक एसिड एंड अदर सिमिलर कंपाउंड्स इन विच द कार्बोक्सिल ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली अटैच टू द एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड साइड चैन एरोमेटिक एसिड्स. कहने का मतलब है, अगर इस कार्बोक्सिल ग्रुप को यहाँ से हटा दिया जाए, इसकी जगह कोई दूसरा एटम लगा दिया जाए, जैसे कि एरोमेटिक रिंग है, उससे CH2 जोड़ दिए, उसके बाद फिर उस CH2 से अगर COOH जुड़े, उस कंडीशन में जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कहलाएंगे साइड चैन एरोमेटिक एसिड्स. आगे है, एरोमेटिक एसिड्स आर प्रिपेयर्ड बाय सेम जनरल मेथड्स एज यूज्ड फॉर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. देखिए, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अंतर केवल एक एरोमेटिक रिंग का होता है, इसलिए इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन लगभग सिमिलर होती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक एसिड्स. सो एरोमेटिक एसिड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, दे आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. आप इनका यूज करेंगे अभी जब प्रैक्टिकल्स करेंगे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं एरोमेटिक एसिड्स के एसिडिटी को. तो कोई भी कंपाउंड के एसिडिटी को हम कैसे बताते हैं, कि वो कितनी आसानी से H+ आयन डोनेट करता है और एक स्टेबलाइज्ड आयन में कन्वर्ट होता है. इट माइट बी एक्सपेक्टेड दैट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बाय द एरोमेटिक पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल वुड प्ले अ लार्ज रोल इन द रिलेटिव एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड. हाउएवर दिस इज नॉट सो. तो अगर आप बेंजोइक एरोमेटिक एसिड्स के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसमें बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस का ही काम होगा एसिडिटी को बताने के लिए. लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनता एरोमेटिक रिंग में, क्योंकि एरोमेटिक रिंग का, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है, जिसके पास लोन पेयर है, वो रिंग से ना जुड़कर कार्बन एटम से जुड़ा है, रिंग से अलग है. इसीलिए यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन का प्रोसेस है लोन पेयर का, वो रिंग में ना होकर फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही हो जाता है. इसलिए यहाँ पे एसिडिटी बताने के लिए हम रेजोनेंस का यूज ना करके इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करते हैं. द नेगेटिव चार्ज ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन इज शेयर्ड बाय टू कार्बोक्सिलेट ऑक्सीजन एटम बट कैन नॉट बी इफेक्टिवली डीलोकलाइज बाय द एरोमेटिक रिंग. दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन नॉट डायरेक्टली एडजेसेंट टू द aromatic ring. Resonating structures cannot be drawn. यहाँ पे आप ये कार्बोक्सिलेट आयन के रेजोनेंस फॉर्म देख सकते हैं. देखिए, यहाँ पे रिंग में जो लोन पेयर है वो एंटर नहीं किया. जब ये आयन्स में टूटा, तो जो डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन का, लोन पेयर का, वो कार्बोक्सिलेट ग्रुप के अंदर ही हो गया. और इस तरह से दो हमें कार्बोक्सिलेट आयन बना मिले अलग अलग रेजोनेटिंग फॉर्म्स के. नाउ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी. तो यहाँ पे रेजोनेंस का मैंने कहा था, यहाँ पे रेजोनेंस से हमें मतलब नहीं है, हमें जो मेन मतलब है वो इंडक्टिव इफेक्ट है. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल है उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है. सब्स्टिट्यूएंट जिस तरह का जुड़ता है, उस तरह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अफेक्टेड होती है, तो वही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है. बिकॉज द बेंजीन रिंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बोक्सिलेट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग इन्फ्लुएंस एसिडिटी प्राइमरली बाय इंडक्टिव इफेक्ट. रिगार्डलेस ऑफ द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यूजली इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ अ बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड क्या है, सिंपलेस्ट एरोमेटिक एसिड है. हम इसी का एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ रहे हैं.
देखिए मैंने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो एरोमेटिक एसिड्स के एसिडिटी को इंक्रीज करता है। जैसे इसके लिए कारण हम बता सकते हैं, द रीजन दैट एन इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेस द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ आर अगेन द स्टेबलाइजेशन ऑफ एसिड एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द एनायन। तो देखिए ये बेंजी रिंग है, इससे आके जुड़ा एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा, उस कंडीशन में H प्लस आसानी से रिलीज होगा, और जितनी आसानी से H प्लस रिलीज होता है उतना ही अच्छा वो कंपाउंड एक एसिड होता है, उतना ही अच्छा वो एसिड होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब जुड़ते हैं एरोमेटिक एसिड से तो उस कंडीशन में उसकी एसिडिटी इंक्रीज होती है। एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट दैट इज पैरा और मेटा टू द कार्बोक्सिल ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ अ बेंजोइक एसिड। और ये भी याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहे किसी भी पोजिशन से जुड़े, ऑर्थो पैरा मेटा, वो उसकी एसिडिटी को इंक्रीज ही करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो सॉरी पैरा या मेटा पोजिशन पे जुड़ता है उस कंडीशन में एसिडिटी डिक्रीज होगी। एंड अगर ऑर्थो पोजिशन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, तो एसिडिटी इंक्रीज ही होगी। एंड इसके लिए जो कारण है वो अभी तक तो नहीं पता है, लेकिन अंदाजा ये लगाया जाता है कि इसका कारण स्टेरिक इफेक्ट हो सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ जो आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज डिटरमाइंड लार्जली बाई इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज द कार्बोक्सिलेट ग्रुप डज नॉट एंटर इन टू रेजोनेंस विद द एरोमेटिक रिंग। सेकेंड है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ अ बेंजोइक एसिड। और ये सीक्वेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे बहुत कुछ समझ आ रहा है किस तरह की सब्स्टिट्यूएंट एसिडिटी को बढ़ा रहे हैं, किस तरह के घटा रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स एट द ऑर्थो पोजिशन ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ अ बेंजोइक एसिड। बात करते हैं बेंजोइक एसिड के इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की, या कहें एरोमेटिक एसिड्स के इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस की। तो जो इनकी रिएक्शंस हैं वो कार्बोक्सिल ग्रुप और बेंजीन रिंग की ही रिएक्शंस होती हैं। द रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड आर दोज ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द बेंजीन रिंग। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप पहले देखते हैं, वो साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन देता है। ऑफकोर्स एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे कि साल्ट बनाएगा। बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम बेंजोइट। अभी तक मैंने इस चैप्टर में, इस यूनिट टू में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स बताए हैं, एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एमीन, फिनॉल, सब में साल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन देखने को मिला है। तो काफी चीजें सिमिलर होती है, इन चीजों को आप थोड़ा कंपेयर करके देखिएगा, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन देता है, इट रिएक्ट्स विद एल्कोहल कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म एस्टर्स। देखिए बेंजोइक एसिड से एस्टर एथाइल बेंजोइट बना, जो कि एक एस्टर है। थर्ड रिएक्शन है एसाइल हैलाइड फॉर्मेशन। बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विद फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और थायोनिन क्लोराइड टू फॉर्म बेंजोइल क्लोराइड। रिएक्शन किस तरह से होती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे जो रिएक्शन है ना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रिडक्शन टू बेंजोइल एल्कोहल, बेंजोइक एसिड अंडरगोस रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव बेंजोइल एल्कोहल। देखिए बेंजोइक एसिड से हमें बेंजोइल एल्कोहल किस तरह से मिलता है। उसके बाद है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, वेन हीटेड विथ सोडा लाइम। सोडा लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर। बेंजोइक एसिड लूजेज अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू इट बेंजीन। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द बेंजीन रिंग ऑफ बेंजोइक एसिड अंडरगोज द यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड बेंजोइक एसिड से जैसे मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिला, तो नॉर्मल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक वो ये देती है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो।
And here's a quote. Sometimes we are tested not to show our weaknesses, but to discover our strengths. जिंदगी कई तरीके से परीक्षा लेती है हमारी, और जरूरी नहीं है कि हम हर परीक्षा में सफल हों, पर हर परीक्षा में सफल होने की कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम कोशिश करते हैं तो हमारी कमियां सामने आती है और साथ ही साथ हमारे जो कौशल हैं वो भी सामने आते हैं, हमारे स्किल्स डेवलप होते हैं। इसीलिए आप कोशिश करते रहिए, परीक्षाओं से डरिए नहीं बल्कि परीक्षाओं का हिस्सा बनिए, क्योंकि परीक्षाओं में जब आप हिस्सा लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितने गहरे पानी में हैं और आपको क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड। इस वीडियो के नोट्स आपको यूजी फार्मा गाइड के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसलिए आप वहां से इसके नोट्स फ्री में डाउनलोड करिए आसानी से, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि बाकी बच्चों को भी ये नोट्स मिले आसानी से फ्री में। क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं तो जो पूरी प्रकृति है, पूरे ब्रह्मांड है, आपकी मदद करने में जुट जाता है। इसलिए मदद जरूर करिए लोगों की।